सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रुचिरा भाग एक में संकलित पाठ संख्या 5 के अभ्यास कार्य पर। हमने हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं, हमने पहले किया है, पहले दो वीडियो में हम हिंदी अनुवाद पर चर्चा कर चुके हैं। और आज चर्चा का विषय क्या रहेगा? आज चर्चा का विषय रहेगा अभ्यास कार्य। वृक्षा नामक पाठ से अभ्यास कार्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वचनों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वचन, इनको हमने लगाना है। कैसे लगाएंगे? यथा में दिया है, जैसे वनम वने वनानि, वनम वने वनानी। यहाँ डैश है और यहाँ डैश है। यहाँ क्या दिया है? यहाँ जले दिया है। तो यहाँ क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग जले का क्या हो जाएगा? जलम, जलम हो जाएगा। जलम, जले, जलानी, जलम जले, जलानी हो जाएगा। यहाँ बिंबम दिया हुआ है, ये डैश है और ये डैश है। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा बच्चों बिंबम, बिंबे, बिंबे, बिंबानी, बिंबानी हो जाएगा। फिर यथा दिया है वृक्षम वृक्षव वृक्षान, वृक्षम वृक्षव वृक्षान। यहां पवनान दिया है तो पवनम, पवनम, पवनव और पवनान। फिर है जन्म, जने जनऊ जनान, जने जनऊ जनान हो जाएगा, जनान, जने जनऊ जनान हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्या है? उपयुक्त विभक्ति योजित्वा, उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तवम, तुम खालिस्तान पिबसी पीते हो, तुम क्या पीते हो? जल। तो जल क्या है? यहाँ कर्म है, कर्म है। और मैंने अपने जैसे पहले वीडियो हैं उनमें मैंने पहले बताया है कि कर्ता में प्रथमा, क्रिया कर्ता के अनुसार, और कर्म में द्वितीया। कर्म में कौन सी रहती है बच्चों? द्वितीया। जलम आ जाएगा, जलम। यहाँ व्यंजन होने के कारण यह है अनुस्वार हो जाता है मैं को, जलम। छात्र है डैश पश्यति, छात्र देखता है किसको? दूरदर्शन। वही है कर्म है, तो कर्म में यहां द्वितीया रहेगी, दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। वृक्षः डैश पिबंती, वृक्षः डैश पिबंती, वृक्ष खालिस्तान पीते हैं। क्या है? क्या ग्रहण करते हैं? क्या पीते हैं? पवन, पवनी, पवनम हो जाएगा, पवनम। ता लिखंती, सा ते ता बहुवचन का है, तो वे सब खालिस्तान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कथा, कथा को लिखते हैं, कथाम, कथाम। आवाम डैश गच्छावे, हम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जंतु सालाम, जंतु सालाम, जंतु सालाम। इस प्रकार से ये हमारे दो क्वेश्चन हुए, दो प्रश्न हुए, जिसमें पहले हमने वचनों के अनुसार एक स्थान की पूर्ति की है, वचनों के अनुसार इनको डैश को भरा है, फिर उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए इन डैश को भरा है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिन्वत। नीचे लिखे गए पदों में से कर्तृपद चुनना है, यानी कि कर्ता पद को चुनना है, कर्ता पद को जो क्रिया करता है उसको चुनना है। तो वृक्षः नभः शिरसु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर वहन करते हैं, उठाते हैं। कौन उठाता है? वृक्ष उठाते हैं। तो वृक्ष क्या हुए? कर्ता हुए। वृक्ष क्या हुए? कर्ता। यहाँ पर इस वृक्ष को आंसर मानना होगा, वृक्षः, वृक्षः लिख देंगे। विहगा
वृक्षेषु कुजन्ति विहिगा, वृक्षेषु विहिगा क्या होते हैं बच्चों, विहिगा होते हैं पक्षीगण, वृक्षेषु वृक्षों पर या में वृक्षों पर कुजन्ति कुंजन करते हैं, चहचाते हैं, तो कौन चहचाता है, तो पक्षीगण चहचाते हैं, तो चहचाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, पक्षी कर रहे हैं, तो पक्षी क्या हुए, करता हुए, तो विहिगा, विहिगा क्या हुए आंसर। पयोदर्पणे वृक्षा सब प्रतिबिंबम पश्यन्ति, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, पयो दर्पण, दर्पणे यानी कि पय होता है जल और दर्पण होता है दर्पण, आईना शीशा, तो जल रूपी दर्पण में वृक्षा वृक्ष सब प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को पश्यन्ति मीन्स देखते हैं, तो इसका कौन देखते हैं वृक्ष, इसका आंसर क्या हो जाएगा वृक्ष हो जाएगा। कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति, अन्न को कौन उत्पन्न करता है, तो कृषक किसान जो है वो अन्न को उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कृषक, कृषक है। सरोवरे मत्स्य सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं, तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा मछलियां, मत्स्य। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, तो वृक्षा कई पातालम स्पृशयन्ति, तो किस से स्पर्श करते हैं, पैरों से स्पर्श करते हैं, अपने जड़ रूपी पैरों से वो पाताल को स्पर्श करते हैं, वृक्षा कई पातालम, वृक्ष किस से पाताल को स्पर्श करते हैं, पादाई पैरों से। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, वनम, वनम रचयन्ति, वन की रचना करते हैं। विहिगा कुत्र आसीना, और पक्षी कहाँ बैठे हैं, वृक्षेषु, 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 पक्षी कहाँ बैठे हैं, वृक्षों पर बैठे हैं। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, और उस उत्सुकतापूर्वक आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं, सव प्रतिबिंबम, ये यहाँ लिखा भी हुआ है सव प्रतिबिंबम, सव प्रतिबिंबम, सव प्रतिबिंबम, यहाँ मैं अनुस्वार नहीं रहेगा क्योंकि बाद में कोई न तो स्वर है न व्यंजन है, सव प्रतिबिंब। ये हमारे 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम शेष पार्ट पर चर्चा करेंगे, अभ्यास के शेष पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।